सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है.
फिल्म कहानी नहीं है, यह अंधविश्वास भी नहीं है, बल्कि यह फिल्म एक घटना है जो समाज की बुराइयों को दर्शाती है, इंसान के अंदर छुपे उस शैतान को दिखाती है जिसकी बुरी हरकतें किस तरह से वैशी दरिंदा पन्ने पर मजबूर कर देती है। इस फिल्म में एक घटना के बाद आप देखेंगे कि एक डांसर का कत्ल होता है और किस तरह उसकी चीखें अपनों को तलाश करने के लिए तड़पती हैं। सेठ जी नमस्कार। राम राम बाबा, राम राम। अरे रामू आया बाबा। सेठ जी सामान गाड़ी में से निकालो। चलो भाई चलो बच्चों जल्दी। मैं क्या करूं मम्मी, ये अजय नहीं उतर रहा है। अब आराम से निकालना। आओ बच्चों, आओ आ जाओ। तो बेटा जल्दी करो ना। अरे जल्दी उतरो। उतर तो रहा हूं मम्मी। चलिए मालिक चलिए, मैंने सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। पानी लेना है लो मैडम। चाय ठीक है। चाय पीती है। चाय क्यों शीला, पसंद आया अपना ये नया बंगला? हाँ जी बहुत अच्छा है नया घर, आपकी ही पसंद हमारी पसंद है। हमें क्या, हम लोग अब इसी घर में रहेंगे? हाँ बेटा। आप कहाँ जा रहे हो? चलो आराम से जाओ, आराम से। पापा मैं कहाँ रहूँगा? तुम तो हमारी गोद में रहोगे और कहाँ। क्यों जो बेटा? पापा जब वो शरारती हो गया है। पापा पापा मैं शरारत नहीं करता। विक्रम भैया झूठ क्यों बोल रहे हैं? पापा ये करता है शरारत, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जल्दी से नाश्ता करो, देर मत करो, मुझे कुछ और भी काम करना है घर में। लो अरे बेटा क्या हुआ? डरो मत शीला, तुम बच्चों को ध्यान रखना, मैं ऊपर दिख रहा था। अच्छा थोड़ा रुकिए तो सही, रामू को साथ ले जाइए। Thank you.
आप थोड़ा धीरज व शांति से काम लीजिए और मुझे बताइए कि आपके पति की मौत कैसे हुई, किसने की, क्या आपने किसी को देखा था, आपका शक किस पर है? प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं आपके पति की खूनी खूनी को पकड़ सकूं। सुनो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, चुप हो जाओ, आप लोग रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। बेटा इस बारे में मुझे बताओगे ये सब कैसे हुआ? पापा के साथ बैठ के चाय पी रहे थे, अचानक से एक इकले की आवाज आई, पुलिस अंकल और हमको कुछ नहीं पता। क्यों शर्मा जी, ये केस कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी लड़की के चीखने की आवाज जी और खून के निशान तक नहीं जी सर। क्यों, कौन कर सकता है, आखिर इनकी हत्या कैसे हुई? सब झपट का कारण तो नहीं है, हो सकता है। सुनिए जी, पता करिए। देखता हूँ। हाँ तो क्या हुआ था इन्हें? साहब मैं तो नीचे था साहब, किसी की चीखने की आवाज सुनकर मालिक साहब ऊपर आए थे, उसके बाद मुझे पता नहीं साहब, मैं नीचे था। ठीक है। शर्मा जी इनके फोटोग्राफ ले लीजिए। जरा अच्छी तरह लीजिएगा, बड़ा ही पेचीदा मामला है। कहीं ऐसा तो नहीं भूत प्रेत का चक्कर हो? शांत रहो, क्या रखते हो? सुनो जी सर, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके चलो, देखते हैं आगे क्या होता है। आप थोड़ा सा प्लीज हटिएगा, प्लीज प्लीज थोड़ा सा हटिएगा, धीरज रखिए, हम खूनी को जल्दी ढूंढ लेंगे। बच्चों आप लोग घर जाइए, कल सुबह आना। छोटे मालिक, बड़े मालिक, चलो आप घर चलो। बाय बाय। मम्मी अब हम लोग कहाँ पर रहेंगे? अब हम इस बंगले में कभी नहीं रहेंगे, कहीं दूर जाके रहेंगे। ये बंगला बहुत मनहूस है। चलो बच्चों। Thank you.
माँ आशीर्वाद दीजिए। माँ जीते रहो मेरे बच्चों। माँ आज हमारा कॉलेज में पहला दिन है, हमें दुआ दीजिए। माँ हम अपना कैरियर बनाने के मकसद में कामयाब हो जाएं और नेकी और अच्छी राह पे चले। खुश रहो मेरे बच्चों, दिन रात तरक्की करना, नेकी और भलाई के रास्ते पर हमेशा चलना। भगवान तुम दोनों भाइयों की जोड़ी सलामत रखे। चलो चले। चलो चलो भैया। चलो सुनो अजय। हाँ माँ। कॉलेज में शरारतें मत करना। नहीं माँ मैं शरारत बिल्कुल नहीं करूँगा। विक्रम बेटा इसका तुम ध्यान रखना। ठीक है माँ तुम फिक्र मत करो। जाओ बेटा। आजकल कॉलेज में आनंद नहीं आ रहा। अभी जुलाई का महीना है इसलिए लड़के लड़की कम आ रहे हैं ना जी। बस तो ऐसा है अब कॉलेज के अंदर हम चार दिन के बाद पांच दिन के बाद आएंगे। ये वो देखो नया मुर्गा आ रहा। अरे आने तो चल। ओए किधर जा रहा? इधर आ मेरे पास। भाई सीधा कैसे जा रहा था? तू जानता नहीं है हम कौन है इस कॉलेज के? भाइयों इसे बता दो इसका। देखो क्यों बे समझा नहीं आपने कौन है? बॉस है बॉस समझा? क्या यानी कि इस कॉलेज के दादा समझा? इनकी मर्जी का ना पत्ता भी नहीं मिलता समझा? क्या किया जाए इसका? चलो इसे मुर्गा और बना दो। मुर्गा बन जाए इधर। सलाम भाई को सलाम। आजकल कोई लेगरी नहीं आ रही। सुबह का टाइम है बॉस। आएगी जरूर। आएगी आएगी जरूर। भरोसा है? आएगी बॉस आएगी। बस बात करते ही वो नया माल आ गया। देखो बात वो हमारी है सुना। वो देखो क्या हसीन माल आ रहा है। अरे वाह क्या कह रहे हो? देर के साथ की बस अपना माल आने से। चलो आने दो। नमस्ते। टीचर जी नमस्कार। हे लड़की मैं तुझे बार बार सलाम किए जा रहा हूँ तू आगे बढ़ती चली जा रही। तू जानती है मैं कौन हूँ? इस कॉलेज का दादा हूँ। राका भाई कहते हैं मुझे। राका भाई तुम इस कॉलेज के दादा हो या फादर मुझे इससे क्या मतलब? मेरा हाथ छोड़ बरना क्या छोड़ मचाओगी? चिल्लाओगी प्रिंसिपल से शिकायत करोगी और क्या? देखो मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ो। अरे मैं छोड़ू तो
पीछे हटो भाई। देखो मैं कहती मेरा हाथ छोड़ो। अगर हाथ ना छोड़ू तो क्यों भाई? हाथ छोड़ कहती हूं। कौन है बे? तुम क्या जबरदस्ती हाथ के पकड़ रखा है? अरे जब ये कह रही है इनका हाथ छोड़ो तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? कौन लगती है तुम्हारी? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस कॉलेज का दादा हूँ दादा, जानते हो मैं इस कॉलेज का दादा। मेरा शिकार है, मैं इसे देखूंगा। सर प्लीज सर जल्दी चलिए उधर। क्या हुआ सर वहाँ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? सर वहाँ स्टूडेंटों में झगड़ा हो गया है सर, जल्दी चलिए वहाँ पर। हाँ सर लॉन में सर। चलो चलो मैं आता हूँ। चलो सर। सर कुछ लड़के आपस में झगड़ा कर रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस, स्टूडेंट झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा आप जाइए, मैं अभी प्रिंसिपल साहब को भेजता हूँ। ओके सर। अपने अपने पोजीशन में जाइए। आज तो मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। चलिए जाइए अपने अपने क्लासों में। पानी नीचे आएगा। माँ एक ग्लास पानी देना। माँ लो आ गया तुम्हारा लाडला बेटा। क्या हुआ माँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? माँ गलतियाँ की हैं, बहुत गलतियाँ की हैं। क्यों अजय बेटा, कॉलेज में बहुत शरारती करने लगे हो आजकल आप। हमने सुना है कि आप गुंडे बदमाशों से भी बहुत झगड़ा कर रहे हो। हाँ माँ, मगर वो मनीषा की वजह से हुआ माँ। मनीषा कौन है बोलो? माँ वो बोलो। माँ इससे क्या पूछती हो मनीषा कौन है? मैं बताता हूँ मनीषा कौन है। माँ इसके कॉलेज में पढ़ती है मनीषा, और ये उससे प्यार करता है। माँ मेरी मानो तो इसके गले में घंटी बांधो, तभी सुधरेगा ये। विक्रम बेटा तू सच कह रहा है, इसकी अब शादी ही करनी पड़ेगी तभी ये सुधरेगा। नहीं नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल मत करना। चुप, जो हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। सर मैं कुछ किताबें इशू कराना चाहता हूँ। हाँ रजिस्टर पर साइन कर दो। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। विद्या की किताब जो मुझे यहीं कहीं ढूंढनी होगी। इसमें हो सकती है, हाँ शायद इसी में। Thank you.
कुछ भी हो रानी, तुम तो मेरी सनी लियोन हो, छोड़ो जी, कुछ भी हो प्लीज, कुछ नहीं, कुछ देख लिया, बाजी, छोड़ो, कुछ देख ले, क्या हुआ क्या हुआ अजय भैया कुछ अजय नहीं नहीं विक्रम भैया नहीं यार सुधरोगे नहीं ओम काम क्लीन कुम चामुंडा रिच्छे ओम काम क्लीन कुम बेटा
बारे में, दादी के बारे में तो मुझे मालूम है। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके साथ मैंने बहुत समय बिताया, पर जाते हुए बेटा जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, वो प्रेत आत्मा की प्रॉब्लम है। उसमें पुलिस या डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम का समाधान केवल तांत्रिक बाबा के पास है। अगर तुम मेरी सलाह मानो तो आगरा शहर में एक गांव है बटेश्वर, उसमें एक बहुत अच्छे तांत्रिक बाबा है, सिद्ध बाबा, उनका नाम है भैरवनाथ। हाँ बड़ा उनका चमत्कार है पूरे इलाके में। बेटा उनके पास जाओ और तुम्हारी इस समस्या का समाधान हो ही निकाल सकते, एकदम ठीक हो जाएगी समस्या, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मेरा यकीन है। बाकी तुम अपनी मर्जी के मालिक हो बेटा। विक्रम बेटा अब तुम जल्दी से जाओ उस तांत्रिक बाबा के पास, अन्यथा वो आत्मा सबको एक ही करके मारा है, सबकी जिंदगी और मौत का सवाल है। जाओ जल्दी जाओ, जिंदगी और मौत का सवाल है। बाबा बाबा ये तो बहुत डरावनी जगह है। चुपचाप चलते रहो बच्चा। मेरा काम तो हो जाएगा ना बाबा? अवश्य पूरा होगा बाबा। मैं उस राज के बारे में जान जाऊंगा ना? बाबा भैरव के दरबार में आकर किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए बच्चों। गुरुदेव, गुरुदेव ये आपसे मिलने आया। मूर्ख बालक, क्षमा करें,
क्षमा करें गुरुदेव, तुमने हमारी तपस्या भंग कर दी। क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें। तपस्या भंग करने का मतलब है मौत। बाबा बाबा गलती हो गई, क्षमा करें महाराज। जीते रहो बालक। अब कहो बालक, कैसे आना हुआ? बाबा ये एक बहुत लंबी कहानी है। आज से 25 साल पहले हम और हमारी फैमिली और हमारे पिताजी एक बंगले में रहते थे। बाबा उस बंगले में हमारे पिताजी की हत्या न जाने किसने कर दी। बाबा मैं ये जानना चाहता हूँ किस कारण आखिर उनकी मौत हुई। बाबा बाबा ये एक राज, बाबा मैं जानना चाहता हूँ। बाबा निश्चिंत रहो बालक, हम तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। बाबा मुझे आपसे यही उम्मीद थी। जीते रहो बालक, जीते रहो, बस जैसा मैं कहता जाऊं करते जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। अभी मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बीड़ी पी लेता हूं। इतनी देर से परेशान कर रहा हूं। बेटा तुम कौन हो? बाबा मैं विक्रम। कौन विक्रम? बाबा मैं सेठ धर्मप्रकाश का बड़ा बेटा। बाबा बाबा यहाँ का वारिस। अरे अरे बेटा विक्रम, अरे बेटा विक्रम तुझे देखने को तो मेरी आंखें तरस रही है। अरे बेटा विक्रम 25 साल से मेरी आंखें तुझे देखने को तरस रही है। सबसे सेठ जी बड़े हैं, ये पूरा बंगला वीरान पड़ा है, वीरान पड़ा है।
तू आ गया बेटा, बहुत अच्छा हुआ। इसकी वीरान जी तुझे दिखाता हूँ, अंदर चल बेटा। बाबा बाबा मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पिताजी के साथ नाश्ता कर रहा था। बाबा आओ बेटा। बाबा बाबा वो ठीक आज भी मेरे कानों में दौड़ती है। बाबा आ बेटा अंदर आ, तुझे वीरान जी दिखाता हूँ। और कोई रात, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात को बाबा मुझे वो बात याद ना आई। अंदर चल बेटा। आओ आओ बेटा, देखो ये हवेली, देखो कैसे जाले लगे हुए हैं चारों तरफ। मालिक की आंख तो तुझे बरसों से याद कर रही, आज मौका मिला है बेटा। बाबा एक एक रात काटना मुझे भारी पड़ गया। बाबा बाबा अब मैं आ गया हूं तो पिताजी की मौत का राज जान करूंगा। बाबा हाँ बेटा हाँ, इस रात को जरूर जानना बेटा, मेरी मालिक की आत्मा को शांति मिलेगी बेटा। आओ आओ बेटा, मैं तुम्हें हवेली दिखाता हूँ बेटा। आओ बेटा आओ मेरे साथ ऊपर चलो बेटा, देखते चलो ये हवेली खंडर होती चली जा रही है बेटा, खंडर होती चली जा रही है। आओ आओ बेटा आओ बेटा आओ आओ, मैं पूरी हवेली दिखाता हूँ बेटा। आओ बेटा हाँ हाँ आओ आओ बेटा आओ, मैं पूरी हवेली दिखाता हूँ बेटा। आओ हाय विक्रम। हाय नीलम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? एक बात बताओ, आखिर तुम इतना सीरियस क्यों रहते हो? देखो नीलम, तुम्हें पता है कि मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है। मगर तुम क्या सारी उम्र यूं बिता दोगे? क्या शादी वादी प्यार व्यार नहीं करोगे क्या? मेरी जिंदगी में प्यार और शादी मकसद नहीं है, सॉरी। खैर आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं चलती हूँ, ओके बाय बाय। महाराज जी प्रणाम। आओ बालक आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ? बाबा कल रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा बाबा, वो बड़ा भयानक सपना था बाबा। मैंने देखा कि एक लड़की, उसकी लाश बाबा पंखे से लटकी हुई थी बाबा, उसके चीखने की आवाज बाबा, बड़ा भयानक सपना था बाबा। देखो बालक तुम थोड़ा धीरज और शांति रखो, हम तुम्हारे स्वप्न का रहस्य अवश्य खोज निकालेंगे। हम अगली बार
अमावस्या की रात को मां काली का हवन करके एक सिद्धि करेंगे जिससे तुम्हारे पिता की मौत का और उस बंगले का सारा रहस्य खुलकर सामने आ जाएगा। सारा रहस्य खुलकर सामने आ जाएगा। अभी देखना तुम इस तंत्र का खेल। जय मां काली, तेरा वचन न जाए खाली। जय मां काली, तेरा वचन न जाए खाली। स्वस्ति नस्तालचोरिष्टनेमिस्वस्तिस्वाभस्मानुयावानुमतधेर्यमन्वयाग्नेयमापरभाचतुर्विश्वेन्दुदेवावसागमिन्द्रा मदंगणेविष्णुयामदेवावध्रं पश्येमाजवरिजस्ताश्रयीरङ्गैश्चिष्टुवाघ्वंसस्तन्विर्वशीमयी देवैदं जलायुः ततमिन्नु स्वर्दुवन्द्यदेवाय ज्ञानचक्राय सन्तनु नाम्मा प्राकूयतपितरो भवन्ति मानो मध्यार्यैकदाय मनीषा, अब शादी तो हमारी हो गई, अब जरा तुम उस पुराने वाले बंगले में चल के रहना। हाँ ये ठीक है। ठीक है, सामान रेडी हो गया? सब रेडी है। ठीक है बैठो। अरे विक्रम बेटा। बाबा, आप बाबा सब ठीक तो है? अरे क्या खास ठीक है, उस भूतनी ने परेशान कर रखा है, रात की नींद दिन का चैन उड़ा रखा है बेटा, उसके लिए कुछ इंतजाम कर। हाँ। बाबा आप फिक्र ना करो, मैं उसके इंतजाम में लगा हूँ बाबा। हाँ। बाबा मैं उसका बहुत जल्द कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा बाबा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, इस भूतनी से बचने का कोई उपाय लेकर आना। ठीक है बाबा। अच्छा, राम राम बेटा, राम राम, जीते रहो बेटा, जीते रहो।
तो आपको हमारी परिस्थितियों के बारे में पता चल गया होगा बाबा। बाबा अब तो आपको पता चल गया होगा बंगले में क्या रहस्य छुपा है बाबा। बाबा बंगले पे चलिए बाबा। बाबा अगर वो वाकई किसी भूत प्रेत या कोई आत्मा का साया है बाबा, बाबा आप चलिए चलिए बाबा। बाबा उस सपने के बारे में बताइए बाबा। देखो बालक, हमने तुम्हारी सारी वास्तविक परिस्थितियों को पूर्ण रूप से परख लिया है। अब हम स्वयं तुम्हारे उस पुराने बंगले में चलकर पता लगाएंगे कि तुम्हारे उस बंगले में तुम्हारे स्वर्गीय पिता की मौत और सपने का क्या गहरा राज छुपा है।
अगर उस बंगले में वाकई को भटकती आत्मा का साया है तो हम अपनी तांत्रिक शक्ति से उस प्रेत आत्मा का खात्मा कर देंगे। जय मां काली, तेरा वचन जाए काली। आ जा तुझको तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, मेरे मित्रवा तुझको पुकारे मेरे मीत रे, अरे ये तो अपना भटकू लाल है, उठो भटकू लाल, उठो, लगता है डर के मारे बेहोश हो गया। भटकूलाल उठो, भटकूलाल उठो, भटकूलाल लगता है बेहोश हो गया डर के मारे। भटकूलाल यह अगरबत्ती जलाओ। भैरो तुम मंत्र पढ़ो। ओम जयंती मंत्रकारी भद्रकाली कुमारी दुराशमा शिवदात्री स्वाहा स्वाहा भक्ते ओम चौकदार स्वाहा। बाबा ये क्या चीज है? बाबा बालक, ये पारदर्शी शीशे का टुकड़ा हमारी तांत्रिक शक्ति के मंत्रों से पड़ा हुआ है। इससे ये पता चलेगा कि इस तुम्हारे बंगले में अगर कोई भटकती आत्मा का साया है तो ये शीशे का टुकड़ा अचानक टूट के बिखर जाएगा। अभी देखना तुम इसका खेल। hmm.
देखो बालक, ये पारदर्शी शीशे का टुकड़ा मैं यहाँ बांध रहा हूँ। अगर इस हवेली में किसी प्रेतात्मा का साया है तो ये शीशे का टुकड़ा टूटकर बिखर जाएगा। जय भद्रकाली। ओ देखो शीशा अचानक टूट गया। हाँ बाबा, बाबा बाबा मैंने देखा, एकदम चूर चूर हो गया। अब इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे इस बंगले में जरूर किसी भटकती आत्मा का रहस्यमय साया मंडरा रहा है, और इसी कारण वर्षों पहले तुम्हारे पिता की मौत हुई। इसमें जरूर कोई भटकती आत्मा का साया आ चुका है। बाबा ठीक कह रहे हैं आप। बाबा बाबा वो चीखे मुझे आज भी याद हैं, जब पिताजी ऊपर गए थे बाबा, और आज तक वो चीखे मेरे कानों में बाबा, बाबा आज तक वो चीखे आज भी मेरे कान में आती हैं बाबा। तुम थोड़ा धीरज और शांति रखो, हम शीघ्र ही आने वाली अमावस्या की रात को माँ काली का हवन करके उस भटकती आत्मा को अपनी तांत्रिक शक्ति से उसे अवश्य बुलाएंगे, और उसे आना ही होगा, उसे आना ही होगा। शांति रखो, शांति रखो। उस आत्मा का हम अपनी शक्ति से खात्मा कर देंगे। अजय, अरे अजय। जी भैया। ये लो ताबीज और अपने गले में पहन लो, इससे कोई भी बुरी आत्मा तुम पर हमला नहीं करेगी। जी भैया, अगर ऐसी बात है तो ये ताबीज अभी पहन लेता हूँ। ठीक है भैया। और अपना ख्याल रखना, ठीक है? जी। Oh,
कान देख, तूने मुझे बुलाने की क्यों कोशिश करी बता, तू क्या चाहता है? हे भटकती आत्मा, तू हमें बता कि तेरा उस बंगले से क्या संबंध है और तू उस बंगले के बाशिंदों को क्यों सता रही है? बता, तू कौन है और कहां से आई है तू? बता। हे तांत्रिक, ये बहुत लंबी कहानी है। आज से करीब 20 साल पहले मेरे पिछले जन्म में इस विक्रम के छोटे भाई अजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बंगले में मेरी इज्जत लूटकर मेरी हत्या कर दी थी। मैं एक छोटे से होटल में डांस करने वाली एक कैबरे डांसर थी और फिर एक दिन लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आज के शो में धूम मचाने आ रहे हैं एंड आई एम श्योर आपने अभी तक मुन्नी बाई और जलेबी बाई, चिकनी चमेली और शीला की जवानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज एक नई नवेली और अपनी नशीली अदाओं का जलवा दिखाने अब आपके सामने पेश हो रही है। तो फिर आइए दोस्तों, तो दिल थाम के देखिए बस आज की अंधूरी बारी। Thank you.
एक दिन होटल से अपना शो खत्म करके मैं अपने घर जा रही थी कि अचानक अजय अपने साथियों के साथ मेरे पास आता है और मुझे बहला फुसला कर एक सुनसान जगह पर एक बंगले के अंदर मुझे ले जाता है और फिल्म की शूटिंग के बहाने अजय और उसके सभी दोस्त एक एक करके मेरी इज्जत लूट लेते हैं। वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं एक एक करके इन सभी वहशी दरिंदों का खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी। ये वो लोग हैं जिनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। और उसके बाद ये लोग मुझे जान से मार देते हैं और ये सब मिलकर प्लानिंग करते हैं कि मेरी लाश को एक पंखे के ऊपर लटका दिया जाए ताकि हर कोई ये समझे कि मैंने आत्महत्या की है, आत्महत्या की है। और इस तरह अजय और उसके दोस्तों ने मिलकर मेरी नई जिंदगी तबाह कर दी और मारने के बाद मेरा शरीर भी जंगल में किसी जगह जाकर दफना दिया। पर हर वक्त हर पल मैं इनका मौत की तरफ पीछा करती रही, हर पल इनको मारने की सोचती रही, लेकिन ऐसा मौका शायद मुझे नहीं मिलना था। और मैं 20 सालों से इस बदले की आग में जल रही हूँ, जल रही हूँ, इस आग में जल रही हूँ। ईश्वर को शायद यही मंजूर था, वो इन्हें मेरे हाथों मरने नहीं देना चाहता था। और अचानक एक दिन अजय और उसके साथियों का एक्सीडेंट हो जाता है और ये सभी लोग उस एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अब इन्होंने फिर से जन्म लिया है। अब मैं ये बदला जरूर लूंगी, जरूर लूंगी। मैं इनका खून पी जाऊंगी, इन्हें नहीं छोड़ूंगी, इन्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी सबको।
साले ने शादी कर ली और बताया भी साले ना की कटा दी साले ने। अजय कहाँ है यार तू? देख हम तेरे पुराने दोस्त तेरे से मिलने आए हैं और तुम्हें हम शादी की बधाई भी देने आए हैं। आओ भाई जरा बाहर निकल के आओ। अरे यार क्या तुम भाभी के बगल में बैठे रहोगे? ये क्या अजय हम तुम्हें कितनी देर से पुकार रहे हैं। यार यहाँ तो किसी की आवाज ही नहीं आ रही। चलो ऊपर देखते हैं। हाँ हाँ चलो ऊपर देखते हैं। हाँ चलो ऊपर देखते हैं। पता नहीं कहाँ भग गया अजय। पार्टी देने के बहाने से भग गया। एक तो शादी कर ली ऊपर से शक्ल भी नहीं दिखा रहा है। पता नहीं क्या हुआ। अजय 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 अबे सुन रहा है कि नहीं? अजय कहाँ है अजय? अबे घर में भी है कि नहीं? अच्छा तो भाभी जी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। अरे भाभी जी मेरा वो यार दोस्त अजय कहाँ है? क्यों भाभी जी हमसे कोई गलती हुई है क्या जो आप पीठ पीछे किए हुए खड़ी हुई हैं? अरे भाभी जी बताइए ना क्या हमसे कोई गलती हुई है क्या? मुझे तुम लोगों से अब नफरत है। अच्छा हुआ जो तुम अपनी मौत के मुंह में खुद चले आए। आज लगता है जान से हाथ धोना पड़ेगा। देख कोई रास्ता कोई रास्ता होगा सब मेरे पीछे पीछे आओ मेरे पीछे पीछे ले। एक भी जिंदा नहीं बचेगा सबको मरना होगा। एक एक करके सबको मरना होगा। बचाओ
विजय। हाँ भैया। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या भैया? कहाँ पर? उस सामने। हाँ भैया हाँ, कुछ है तो सही। रास्ते पर कोई खड़ा है शायद। हाँ भैया, कोई लड़की खड़ी है। देखो कौन हो सकता है। भैया भैया, मुझे तो डर लग रहा है, गाड़ी रोको। अजय डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भैया भैया, गाड़ी रोको, मैं तो बाबा के पास जा रहा हूँ। नहीं अजय, गाड़ी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। नहीं भैया, नहीं भैया प्लीज, हमें प्लीज गाड़ी रोको, कुछ नहीं होगा। प्लीज गाड़ी रोको भैया। बाबा बाबा हमारे साथ हैं। भैया हम से कुमार, भैया गाड़ी रोको, भैया गाड़ी रोको, भैया तेज, भैया रुको मत। भैया भैया प्लीज रुकना मत, गाड़ी तेज चलाओ भैया। आज पूरी रात घूमते घूमते निकल गई, लगता है कल रात फिर आना पड़ेगा। अजय जी। भैया गाड़ी से नीचे उतरो और चुपचाप मेरे पीछे आओ। ठीक है भैया। संभल के अजय। अजय बाबा ने जो जगह बताई थी वो यहीं आसपास होनी चाहिए। रुको अजय। ये क्या है भैया, और इससे क्या होगा? इससे कैसे पता चलेगा उस भटकती हुई आत्मा के मृतक शरीर का? अजय ये तांत्रिक बाबा के मंत्रों से पड़ा हुआ शीशा, इस जमीन पर जहां भी उस आत्मा का शरीर होगा ये शीशा चूर चूर हो जाएगा। अजय देखा यह शीशा कैसे चूर चूर हो गया, इसका मतलब आत्मा यही है। तो भैया इस जमीन की खुदाई करें। जल्दी फावड़ा लेकर आओ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। तो भैया लो। अजय बहुत जल्दी। अजय आराम से, शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, आराम से और आराम से बचा कर। Yeah.
भैया आपको क्या हो रहा है भैया क्या हो रहा है भैया आपको बाबा 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 कहाँ हो भैया कुछ हो गया है भैया 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 अभी क्या कर रहे हो भैया अभी क्या कर रहे हो भैया 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 अभी क्या कर रहे हो भैया आप मुझे क्यों मारना चाह रहे हो भैया मैं आपका भाई हूँ जल्दी आओ बाबा बाबा कहाँ हो आप बाबा भैया नहीं भैया भैया नहीं भैया भैया नहीं भैया 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 मुझे कॉल भैया मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज भैया प्लीज बचे कहाँ बचेगा बाबा बाबा आप आओ बाबा मैं आ रहा हूँ बाबा आप आओ जी गुरुजी सब मेरे पीछे पीछे आओ सभी धीरे धीरे ना रुको ये तो विक्रम और अजय लगते हैं हाँ ये तो विक्रम और अजय ही है ये क्या हुआ उस भटकती आत्मा ने विक्रम के शरीर में पूरी तरह से कब्जा कर रखा है अब क्या होगा गुरुजी हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा अगर हमने जल्दी कुछ ना किया तो वो भटकती आत्मा अजय को खत्म कर देगी जाओ जाओ जल्दी जाओ लकड़ियां और मिट्टी का तेल लेकर आओ जाओ और लकड़ियां लाओ जल्दी लाओ वरना अनर्थ हो जाएगा उस पेतात्मा का आज ही खात्मा होना है हमसे बचकर कहां जाएगी कहां है तू हाँ नहीं आएगी नहीं आएगी ओम जयंती मंगला गाली भद गाली कबाली शीघ्र आओ तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो इन लकड़ियों को चारों ओर से फैला दो ताकि वो भटकती आत्मा इस गोले से बाहर ना जा सके आज तो उसका खात्मा करके ही रहूंगा कहाँ है तू जल्दी आ जल्दी आ ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी आएगी तू उस बच्चे को मारेगी तुझे ऐसे मारने नहीं दूंगा उस बच्चे को आज तुझे खत्म करके ही रहूंगा आज इस कहानी का अंत होकर ही रहेगा ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी जल्दी आ वहां जल्दी आ वहां तू आज कहां जाएगी तू आज बच के नहीं जाने दूंगा तुझे आज इस कहानी का अंत हो कर ही जाएगा जय भैरव बाबा की आज नहीं छोड़ूंगा तू क्या सोचती है मेरे होते हुए
बच्चों का कुछ कर सकेगी? नहीं, इस खानदान को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इस खानदान के अकेले वारिस को नहीं मरने दूंगा। अजय को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अजय को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। कहा है तू? अजय, अजय, चीख नहीं डरो, घबराने की कोई बात नहीं है। बाबा भैरव तुम्हारे साथ है, चीख रहो, चीख रहो बेटा, चीख रहो। हम हैं ना भैरवनाथ, बाबा भैरवनाथ, बाबा भैरवनाथ के होते वो आत्मा तुम्हारा दुख नहीं बिगाड़ सकती। सीख लाओ बेटा, सीख लाओ, जल्दी आओ, आओ। बाबा, बाबा, मैं आ गया बाबा, मैं आ गया। बचाओ बाबा, मुझे बचाओ बाबा, मुझे बचाओ बाबा, मुझे बचाओ बाबा, मुझे बचाओ। मत बचा, वो आत्मा इस गोले के अलावा कहीं नहीं जा सकती। बचाओ बाबा। मरना होगा तुम सबको, मरना, तुम सबको, सबको मरना होगा। मैं जानता था जरूर आएगी, मुझे आना ही होगा। आओ, जय बजरंग बली, तुम जय बजरंग बली। जैसी मंगला काल में भद्र काली कृपा, तुम सबको, सबको मरना होगा। ओम जय श्री मंगलाकारी भद्रकाली कृपाल, जय श्री मंगलाकारी बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। देश में युगों युगों तक भारतीय नारी का हमेशा सम्मान होता चला है, और आपने इसमें देखा बुरे का अंत बुरा ही होता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप भी नारी का सम्मान कीजिए। जियो और जीने दो।